मोहतरम बाल सदर ये हैं जोहा, वो हैं फलक भट्ट और आप देख रहे हो पब्लिक डिमांड। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहना, टच मी ओ वेखो बाबा नजमी टच मी ओ आया बाबा नजमी ओ ये आ मखा मोसन। हाँ जी। ए ओ बाबा ने जी नूहां ते पुत्रां ने घरों काट दिता है। ओए ओ घरों निकलण वास्ते मैनू नूहां ते पुत्रां दा सहारा नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे मां प्यो ने मैनू घरों काटता सी। ए मखा चौधरी मोसन। हाँ जी। ए जिहड़ा प्रौणा तेरे शो दे विच आउंदा पिया ना, यकीन कर उहदा मैनू बड़ी शिद्दत नाल इंतजार है। बस फिर आप चौधरी साहब उधार ही मांगेंगे। नहीं 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 जोहा, चौधरी साहब उधार नहीं मांगते। फिर? जब भी मांगते हैं नामे मौला ही मांगते हैं। मैं क्या मोशन पुत्र? हां जी। जेड़ा तेरा आज दा प्रोणा है सब तो बहुता स्वाद ओदा मेनू आउणा है। क्यों क्यों? ते मेरा स्वाद ओनू आउणा है। काहे? क्योंकि ओदे ते मेरे नजरियात भी मिलदे ने ते स्ट्रगल भी मिलदी। ओह, की आमद हो गई है कि आटा समाना दे उत्ते चढ़ गया। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है। देखो मजदूर दी तर्जमानी, आटा असमाना उत्ते चढ़ गया है। चढ़ गया, मेरा भाई प्रोग्राम तो वड़ गया है। ये किस किस्म की शायरी है ये? वाह 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 चाचियो, शेर सुना के ते यकीन करो दिलो ही लत गए। ए जेड़ा थानू इद्दत देण दा प्रोग्राम बनाया दी ना। हेलो चौधरी, इज्जत नहीं इज्जत, इज्जत। हाँ इज्जत हुंदा पुत्र, इज्जत ते चौधराणी पूरी करेगी। जेड़ा तेनू इज्जत देण दा प्रोग्राम बनाया दी ना। हाँ जी। वो प्रोग्राम वड़ गया। मखा मोहसन, इस तो पहले कि चाचे होरी गाला दी डिग्री वधा देण, छेती नाल भरावना साथ ला। ओके। तो खवातीनो हजरात, आज पब्लिक डिमांड में होगा सियासत और म्यूजिक का फ्यूजन, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो म्यूजिशियन सिंगर हैं लेकिन साथ साथ सियासतदान भी है, समझ गए ना आप, क्योंकि पूरी कायनात में मुझे लगता है वो एक ही ऐसा केस है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तशरीफ लाते हैं मेरे पसंदीदा जवाद अहमद साहब। Assalamualaikum Jawad bhai. Waalaikum assalam. I am so happy to see you. Huge fan sir, huge fan. Bahut shukriya. Thank you so much. Thank you for coming to Public Demand sir. Bade arse se na main chah raha tha ki aap show pe aaun. Kyunki na main to samajhta hu ki jo channel hai na aapka Public News. Ji ji. Isko bhi aapke show ne na uthaya hua hai, badi achhi baat hai. Ha. Ek baar phir taaliyan bajao yaar. और जवाब भी आपको पता है ये गाना जिसका म्यूजिक अभी बज रहा था ये मैंने इसलिए शुरू में गाकर जाया नहीं किया अपनी बुरी आवाज में क्योंकि मैंने आपसे सुनना है ये तो आपने मुझे अपना पॉलिटिशियन तो दिखाना ही है लेकिन मेरा जो नॉस्टैल्जिया आपसे जुड़ा हुआ है वो एज सिंगर भी जुड़ा हुआ है और हम सबका एक्चुअली सो हम आपका बहुत सारा टाइम जो है ना वो गायकी में आज सर्व करना चाहते हैं। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा आपको पता है कि पब्लिक डिमांड में पब्लिक रिमांड होता है? मुझे पता तो नहीं है लेकिन। तो गोया आप तैयारी से नहीं आए? ओए होए होए, तो फिर आप तो अपना केस नहीं लड़ सकेंगे, बैरिस्टर साहिर अली बग्गा साहब की खिदमत हासिल कर लेते हैं सर। तो मेरा केस अच्छा लड़ेगा। छोटे भाइयों की तरह। अरे क्या बात है, सारी उम्र काम किया है मेरे साथ, अच्छा केस लड़ेगा मेरा। जवाद भाई आप खुद एक गुलकार हैं, मौसिकार हैं, आपको गीत सुनाना तो गोया सऊदीया को तेल देने के मुतरादिफ है लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कुछ लाल माहिए तैयार किए हैं, आपकी इजाजत है सर? प्लीज प्लीज। ओ कोई गाना स्वाद दाए आए भाई, कोई गाना स्वाद दाए सारे दा हक दे दो ऐ होई नारा जवाद दाए कोई पेंडा दूर दाए है भाई
कोई पेंडा दूर दाए कर दाए बराबरी दिकल पेली मजदूर दाए आए पेली मजदूर दाए सुन के भाई कोई गुंजला खोल दाए आए कोई गुंजला खोल दाए करप्ट निजाम दे खिलाफ हर फोरम ते बोल दाए आए हर फोरम ते वैसे एक बात कहना चाह रहा हूँ ये जो शो है ना आपका मैंने जब भी देखा है तो जब कोई गेस्ट आता है ना तो आप बिल्कुल उसके फील्ड के रेलेवेंट चलते हैं सवाल भी ऐसे करते हैं रवैया भी आप उसके साथ यही रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कमेंडेबल बात है दूसरी बात ये कि मेरे साथ आपने जो भी ये एक मेरा समझता हूँ प्यार किया है क्योंकि मैं इस वक्त हमारी पार्टी जो पब्लिसिटी फेज में है बिल्कुल सर तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है आपने मिडिल क्लास के लोग जो हैं आम लोग पाकिस्तान के और गरीब लोग और मेहनत कश उनका पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर इससे पहले के लोग हमें वोट देने आ जाए यहाँ पे आइए सब तशरीफ रखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन ये जवाब भाई जिस तरह से जस्टिस मुनीर साहब ने आयन शिकनों को नजरिया जरूरत का थ्रैश होल्ड दिया उसी तरह आपने हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हारने का लाइसेंस दे दिया है ये कह के कि तुम जीतो यार हारो तुमसे प्यार है ये क्या जुल्म किया सर आपने यार मुल्क अपना है टीम अपनी है यस सर देखो ये जब हारते हैं ना तो इनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारी आई नो मैं क्या मोशन पुत्र हां जी एक क्रिकेटर जदों खेलदे होए आपस में गल करदे ने कि जे ना जीते ते पाकिस्तान च गालां पैण गियां कप्तान उन्हां नूं कहंदा है जिंज मर्जी खेडो जवाद भाई दा गाना पिया है सर पीसीबी ने कभी फोन करके आपसे शिकवा नहीं किया कि ये आपने क्या गा दिया है बहुत दफे ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान की टीम बाकायदा जब हारी है फाइनल में या कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट हारी है तो इस गाने ने उनको लोगों के अंदर दोबारा उनके उनके लिए प्यार डाला है जी तो मुझे नहीं लगता कि कोई सिवाय उनके जो कि मेरे किसी और वजह से खिलाफ है तो वही ये बात करते हैं अदरवाइज ये गाना तो जब तक टीम रहेगी पाकिस्तान की क्रिकेट रहेगी मेरा ख्याल है साथ चलता रहेगा जवाब भाई मैच तो बाद में शुरू होता है मैंने ये स्टेटस पहले टाइप करके रखा होता है लेकिन चौधरी जवाब साहब इस गाने तो मैं बड़ा मोटिवेशन भाई मैं जदों भी कुकड़ा की लड़ाई हारते उन्ना ना ते चुदरानी बनेर ते खड़ो के गांधी है तुम जीतो यार हो हमें तुमसे प्यार है वाकई मोहसन पुत्र चुदरानी नू ते गाना इन्ना पसंद है उन्हें अपनी ब्याह दी फिल्म च भी ये पवा लिया दर दर जवाब भाई वैसे पॉप सिंगिंग का जो वक्त आप लोगों ने देखा है और उस जनरेशन ने देखा क्या वो अगली जनरेशन को नसीब होगा सर हमें तो नहीं हुआ सर हमारे जमाने में ना पॉप इंडस्ट्री अपने पीक पे जा रही थी यस सर एक्चुअली स्टार्ट हुई थी लोगों को पता नहीं है एक हमारे सिंगर थे अहमद रुश्दी जी जी बिल्कुल उन्होंने एक ना एक फिल्म का गाना गाया था कोको कोरीना ओह यस वो फिल्मी पॉप गाना था बिल्कुल और वो शायद पाकिस्तान का पहला इस तरह का था जो इतना बड़ा हिट हो गया वाह 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 कमर्शियली उसके बाद मैं समझता हूँ आलमगीर शेखी नाजिया जोहेब जी, जी 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 और उसके बाद फिर ये वाइटल साइंस बहुत सारे लोग आए लेकिन जो दौर हमने देखा ना उसमें हुआ ये था जो लोगों को शायद बताना जरूरी है प्लीज प्लीज कि हमारे जमाने में पाकिस्तान टेलीविजन के साथ साथ एक और चैनल आ गया NTM हाँ जी बिल्कुल पहली दफा एक प्राइवेट चैनल आया और उसके साथ फिर PTV वर्ल्ड आया वो जो PTV का ही था हाँ जी लेकिन ये तीनों जो चैनल थे ये सारे चलते थे एंटेना पे एंटेना जो होता बिल्कुल हाँ जी हाँ जी आई रिमेम्बर तो इसलिए इनकी जो रीच थी ना वो बहुत ज्यादा अब क्या है अब है 50 चैनल एग्जैक्टली यस अब किस टाइम पे कौन क्या देख रहा है किसी को मालूम ही नहीं है तो मेरा ख्याल है कि जब एड अप होता है ना तो शायद स्टार कि इतनी बड़ी रीच नहीं बनती ये जो आप कह रहे हैं ना ये वजह है अदरवाइज ये नहीं है कि हमसे अच्छे सिंगर्स नहीं आपने इतना अच्छा गाया भी यार बहुत अच्छा गाया लेकिन मैं थोड़ा निराश हाँ बैठा बार बार तुसी मेरे रीच कही जान और
रीच रीच नहीं कह रहे रीच रीच अच्छा अच्छा पहुंच पहुंच अच्छा अच्छा सॉरी हिमा उन नाराज नहीं जवाब सर आपके गानों से कई मॉडल्स का करियर बना है और जब हमारी बारी आई तो आपने गाना बनाना ही छोड़ दिया ये आप ठीक कह रही हैं वैसे ये आप सही कह रही हैं काफी अरसे से नहीं बनाए गाने कमर्शियली तो बिल्कुल नहीं बनाए हां जी लेकिन मैं करूंगा इंशाल्लाह स्टार्ट दोबारा करता हूं ये ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई जवाद भाई ने पब्लिक डिमांड पे ये कह दिया है और ये न्यूज़ ब्रेक कर दो कि वो नए गाने के साथ आ रहे फाइनली सर लेकिन ऐसी खुश हो मांगे ना कुड़ी नू कोई लोड नहीं खुश होने दी अजकल तुहानू पता जवाद भाई चेंज हो गए ने एक किसाना ते मजदूरां ते गाने बना रहे ने और तू सिर ते तगारी रख के मॉडलिंग कर दी किड्डी भैड़ी लगे ओहो मामा जी जवाद सर कहें तो मैं खेतों में काम भी कर लूंगी और सर पे सीमेंट की तगारी भी उठा लूंगी बस मुझे गाने में मौका दे दें अरे जो तगारी सिर पे चांदी है कहती एक तगारी मुझ पे भारी सर वैसे किसानों से याद आया कि इंडिया में जब किसानों की तहरीक चल रही थी सर आपके गाने वहां पे बड़े गूंज रहे थे उस वक्त मोदी सरकार आपको छोटा शकील तो नहीं समझ रही थी सर समझ रहे होंगे हालांकि मैंने इस तरह का कोई काम कभी नहीं किया ये गाना जो था ना ये बनाया था पाकिस्तानी किसानों के लिए ओके वो टाइमिंग ऐसी हो गई कि जब वो ये शुरू हुआ ये काम तो वो गाना पिकअप हो गया वो बीबीसी ने चला दिया उसके बाद फिर आगे से आगे मैं कहा चौधरी जवाब साहब नीरा मजदूरों लई बनाई जांदे हो गाने कोई साढ़े जागीरदारा वास्ते बनाओ ताकि हर महीने कणक देसी घ्यो पिनिया गलाइए थोड़े ले जनाब दो वक्त की रोटी चंगी है ऐ नहीं करना सी कभी भी और जवाद भाई आप फिर साडा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दियो या फिर सानू भी इनकलाबी टीका ला दियो अच्छा मुस्लिम जो चीन में इनकलाब आया था तो चीन में जो चूहन लाई थे ना वो चीन के दूसरे नंबर पे सबसे बड़े जागीरदार थे और वो जो थे वो मौजूदों के साथ आगे खड़े हो गए थे तो बेसिकली जवाब ये कह रहे हैं कि आप उनको ज्वाइन कर लें आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारी पार्टी से जागीरदार समायदार माफिया पीरो मुर्शिद कबायली सरदार वडेरे ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते लेकिन अगर आप आना चाहते हैं हमारे हाथ मजबूत करना चाहते हैं तो जरूर इनकलाबी ना करने वाली गलां ना मैं एटीएम भी बना ते मेरे हाथ भी खोजना इनकलाबी तो इस तरह दे हुंदा फिर ओए ऐवें दिल छोटा कर रहे जेडे पहले एटीएम बने सन इस्तकाम उन्होंने हाथ आ ही गया ना जवाद भाई अगर तुम मेरे लिखे हुए कलाम गाए होंगे तो अज अमृतसर च मेरे मुजस्मे दे नाल छोटा जिहा मुजस्मा तुहाडा भी लगा होना यार मैं भी मरा भी नहीं मेरा मुजस्मा लगा मैनू कदों फरिश्ते साइकिल लैके लभण दे ओ पर चाचियो मैनू ए समझ नहीं आउंदी ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਾ ਮੁਜਸਮਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਕਾ ਜੋ ਮੁਜਸਮਾ ਲਗਾ ਵੋ ਤੋ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਥੇ इनका मुजस्मा तो इससे लगाया कि आते जाते लोग इन्हें साथ कंकर मारे नहीं करे अनपढ़ बच्ची इन्हें पता ही नहीं इंडिया च कैंकरियां मारी दिया ही नहीं जवाद भाई आपने आशा जी के साथ काम किया आशा भोसले साहिबा के साथ लेकिन आप लता जी के साथ काम नहीं कर पाए इसका अफसोस है आपको हाँ जी अफसोस है आप मुझसे पूछेंगे कोई एक ऐसे इंसान जिनके साथ मेरा दिल करता था काम करने का वो नहीं कर सका बहुत ही छोटा था जब वो फौत हो गए तो वो किशोर कुमार थे अरे वाह अच्छा जवाब भाई आशा जी ने आपको बताया था कि पाकिस्तान से एक सिंगर कम म्यूजिशियन आए थे जो कि नाश्ते में दर्जन भर अंडे खा जाते थे सर ये क्या किस्सा है सर यार ये बड़ा अजीब वाकया है मैं उनके घर बैठा हुआ था खुद ही को जेन में आया मुझे कहते हैं आपको पता है आप जहाँ बैठे हुए हैं तो यहीं पे अदनान समी भी आते थे अच्छा वो अदनान समी को अदनान सामी कहती थी अच्छा ओके हाँ तो बल्कि मेरे घर में वो कई दफा उन्होंने आके अंडे बना के खाए ओके लेकिन बाद में हुआ ये कि उन्होंने एल्बम बनाया एल्बम जो मेरे साथ बनाया उसमें उन्होंने मेरे गाने के अंदर ट्यून नहीं डाला अपने में डाल दिया और जब वो गाने बाहर आए तो लोगों को लगा कि मेरे से ज़्यादा अच्छा वो गा रहे हैं तो मैं बड़ा इससे शर्मिंदा हुआ मुझे हाँ हाँ मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात से मैंने उनसे कहा जी मैं तो उनके फेल का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ लेकिन मेरा ख्याल है अच्छी हरकत नहीं की उन्होंने हाय 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 अदनान समी ते इन्ने अंडे खांदा ही मोहसन पुत्र कई बार सुता होवे मुंह चो जिंदा चूचा निकल के टुर पैंदा बहुत से जवाद भाई आप मेरिट की बड़ी बात करते हैं लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त जाती है आपने बॉलीवुड में एक ऐसी सिंगर को रिकमेंड किया था कि जिनसे अपना ही गाया हुआ गीत नहीं रिकॉर्ड करवाया गया मोहसिन आप नाम तो लें एनी खालिद मैंने नहीं कहा मैंने नहीं कहा <इसने का? laughs> नहीं मैं तो मैंने तो नहीं कभी कहा ये तो
मैंने सिर्फ ये किया था कि उनके वालिद साहब और उनके साथ उनका रابطہ करवाया था महेश भट्ट साहब आप बिचोले थे हां इसके अलावा मेरा इसमें कोई पार्ट नहीं है जब आप मेरे फौरन हाथ खड़े करते ने मैंने ऐसी अदा से मुझे देखा ओके सही जदों दे जवाब भाई सियासी होए ने कंट्रोवर्सी तो बचन लग पे है ना चौधरी जवाब साहब जेड़े थवाडा गाना ना ओ मेरी लव स्टोरी दी बड़ी अकासी करता है लगता है यकीन करो ओ जीवे तुसी मेरे लिए गाया थी कौन सा गाना ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां है ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां लेकिन मैं मजा क्या ले रहा हूँ जवाब भाई की बेबसी थी ना जो कि मेरे ना की कर रहे हो तुम चौधरी पुत्र नाल सानी भी ते कह जो असल तेरे ते बनदा है केड़ी ना मैं अपने प्यो दी ना मैं अपनी मां दी हां ओ कहंदी ए सैया मैं तेरी हां बहुत बड़ी बात है ओ कहंदी ए सैया मैं तेरी रुपये साडा हक इथे रख किथे साडा हक इथे रख आपने मुझे पहचाना नहीं 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 सॉरी मेरी उजड़ी हालत मेरी पसमांदगी देखकर भी नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ कौन है मेरी जान मैं अवाम हूँ अवाम मैं समझा को बच्चा अपनी अम्मी नु लबन आ गया तो जवाब भाई आपको लगता है कि ये अवाम की सही तर्जुमानी कर रहे हैं सही कर रहे हैं यार ऐसे ही है जवाद भाई से मुझे बहुत गिला है क्या इन्होंने रिक्शे के पीछे जिक्र तो मेरा किया है ते फोटो अपनी लाई है अच्छा आवाम का गिला दूर करें जवाद भाई जब मैं तस्वीर लगाता हूँ ना अपने रिक्शे पे तो एक तो मैं उधर से इधर आके गिरता हूँ अगर आप कमर्शियली देखें जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और लेकिन मैं इसलिए लगाता हूँ कि हमारे लिए ये बड़ा सस्ता एडवर्टाइजिंग का तरीका है और हम कोई जगीरदारों सरमायादारों की पार्टी है नहीं तो हम इस तरह ही कर सकते हैं जवाद भाई मैं माफी चाहवांगा गल करन तो पहले क्योंकि मेरी नजर थोड़ी कमजोर हो गई है पहले पहले जदों मैं तुम्हारी तस्वीर रिक्शे पीछे देखता सा मैं समझता सा को रिक्शा यूनियन का सदर है मोहसन पुत्र तेनू पता मैं सारी जिंदगी आवाम वास्ते लिखे जी हां लेकिन अज दी आवाम वेख के मेरा दिल कर रहा है कि अपना कलम तोड़ दें तो उदी नाले पानी बना लो लेकिन चौधरी जवाद साहब जदों दा तुहाडा इनकलाबी टीका लगा ना मैं ते हर पासे इयो गांदा फिरना की उच्चे मजा जवानी आख गई एथो ए कुड़ी अज हार गई फिर सो डोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी जे तेरी मेरी गल ना बनी ओ हो 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 पुत्री आपके फजूल अशार खत्म हो गए तो मैं शो आगे बढ़ाऊं तो इनकलाबी होने लगा सा ना जी पर की करा पुत्र नूरा फाते तो बगैर कुछ है बिकती नहीं मैं भी फतह करना चाहता हूँ उसको जवाब भाई पीपल्स पार्टी का नारा था रोटी कपड़ा और मकान पीटीआई का नारा था नया पाकिस्तान जो कि बाद ऐसा हो गया हम कोई गुलाम है क्या लेकिन बराबरी पार्टी का नारा क्या है क्या समरी है उसकी सर मिडिल क्लास मेहनतकश नौजवान बराबरी पार्टी पाकिस्तान ओके सर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है आप कितने हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे अच्छा जो मैं नहीं इलेक्शन लड़ रहा ओके पार्टी बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ओके और आम लोग जो हैं जिनके प्रॉब्लम्स हैं मेरे तो प्रॉब्लम्स नहीं है ना जी जिनके हैं वो आएंगे इलेक्शन लड़ेंगे पार्लियामेंट में जाएंगे और अपने तबके लिए कुछ करेंगे वाह बस फिर चौधरी जवाद साहब मैंने तो चुदराणी नु एक एक टिकट दे दे दुबई दा माफी चाहना आप दी पार्टी दा असि इन सियासी जमातों दा ओ हाल करांगे जेड़ा वर्ल्ड कप दे विच इंडिया ने श्रीलंका दा कीता मुझे लगा आप कहेंगे पाकिस्तान दा कीता ओ चौधरी तेरा ते पता नहीं अलबत्ता चौधराणी चे सलाहियत है वे हां द द द द द मेरा मतलब है कि क्राउड पुलर है चौधराणी है तो सही जवाद सर हमसाए मुल्क में 1.2 गाड़ी 6 से 10 लाख में मिल जाती है
लेकिन वही गाड़ी हमारे मुल्क में 50 से 60 लाख में मिलती है, ये मुनाफा कौन खा रहा है? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ मुनाफा नहीं है, ये वैश्याना, जालिमाना और बहिमाना मुनाफा है। जवाब भी क्या कहेंगे इस बारे में? ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन देखें हमारे मुल्क में ना कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जी, और इनको इनकी पुश्त बनाई जो करते हैं वो हमारे सियासतदान करते हैं। सियासतदान क्यों करते हैं? क्योंकि वो इन्हीं ही के तबके से हैं, तो इसलिए ये नेक्सस है और ईवल सा। जब तक हमारी जैसी कोई पार्टी नहीं आती ये ऐसे ही रहेगा। वैसे जवाब भाई, लग्जरी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी ने, जर्मन कंपनी ने एक्चुअली ये ऑफर की थी हमें कि यू नो पुर्जे हम बना देंगे और संभला पाकिस्तान में कर लीजिएगा, लेकिन जब हमारे आला अहदेदारान जो है उन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि सानू की दोगे, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? वो फिर पड़ोसी मुल्क तो चली गई वो कंपनी ऑलरेडी। इनको जिस काम में फायदा होता है ना ये काम वो चलने देते हैं, जिस काम से इनको फायदा नहीं नजर आता वो काम बंद कर देते हैं। चौधरी जवाब साहब, मैं इतने इंडस्ट्री खड़ी करना चाहता था केड़ी, पर मैथों इतने किक्स बैक्स मंगते ने। किक्स बैक्स केड़े कादे मंगते? ले फिर चौधरी मोहसिन चक्का फिर की एक ट्राली ट्रैक्टर दे नाल नाल ख्वाजा सरा फ्री। बुजुर्गों की मिसाल भी पूरी हो जाएगी, नचदिया नु बाण इको जिया। ये बार बार ना चौधरी चौधरी कह रहे हैं जी सर। एक्चुअली ना मुझे बड़ी इस नाम से उस हवाले से चिढ़ है जब कोई कहता ना चौधरी चौधरी, तो मैं तो आपको पता है वैसे तबकाती तौर पे रूलिंग क्लास के साथ लड़ने वाला आदमी, तो हमारे यहाँ पे ना अगर चौधरी वैसे कहा जाए ना जात के तौर पे हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह ये कहते हैं ना कि मैं चौधरी हूँ जी, तो इन सब की ऐसी की तैसी। चौधरी तू गए हो, तू आते हल नहीं है। चौधरी चौधरी जवाब साहब मैं माफी चाह रहा यकीन करो मम्मी इनकलाबी हो गया, तो मां आप दा इनकलाब जिथे लैके जाना ते बीबियां बहना वाला के आंदियां ने बाबा काल लावी। मैं क्या मोहसिन पुत्र है ते कुछ भी नहीं। अच्छा? चौधरी इनकलाब लैके जो घर जांदा है चौधराणी भी कहंदी है बाबा काल लाई। चौधरी साहब आप तो जागीरदार हैं, आप कैसे इनकलाबी हो सकते हैं? इनकलाब तो आपकी मौत है। मन्ने के मां जागीरदार आ, लेकिन मैं अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना चाहना, और इसलिए कि मैं इनकलाबी जागीरदार बनना चाहना। तू फिर इंज कर चौधराणी मैनू दे दे। मेरा मतलब है कि जिवें गौतम सिद्धार्थ ने यशोधरा नु छड़ के निर्वाण लै लिया सी, इंज ही तैनू भी निर्वाण लेना पड़ेगा। बाबा मैं कई वारी निर्वाण लैण की कोशिश कीती है, मैं तो सवेरे सवेरे कई वारी उठ के पैलियां च निर्वाण तोड़न गया, पर उत्थे मैनू गिदड़ा घेर लिया। हैं? रीछ को गीदड़ों ने घेर लिया। जब रीछ की मौत आती है तो वो पैलियों की तरफ जाता है। ओए गल दस चौधरी, ओ तू हल्ले भी निर्वाण लैण खेता च जाना है, ओ घर च निर्वाण धोण दा यानी निर्वाण दा कोई सिस्टम नहीं लाया तू? की गल पे करना चाचा, दो वेलियां दा एक वेला है, मत्थे चिराग पे बलदा है, ओ साडा पिंड तां फ्लश सिस्टम है, पिंडां इत्थे डेम सिस्टम हुंदा है। ओए होए डेम डेम चौधरी की कह रहे हैं? चाचिया अगू सुन, गिदड़ा मैनू पा लिया घेरा, मेरे ना उन्हें किया मिसबिहेव, मेरे ना उन्हें अति किया, मेरे ना उ किया जेड़ा एक बारी वकीला ने फयाजुल हसन चौहान नाल कीती। ए वकूआ पेश आया सी मेरे ना कणकां च, उथों निकला माए वड़ गया कमादां च, कमादा च बड़े उथे मैनू बाहर ले पै गए। यार झूठ ना बोल, बाहर ले ते तेरे वास्ते घर ले ही ने। मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने तेन पछाण लिया होना है। तेन तो पता है भाई चौधरी मशहूर आदमी है, उन्हें मैंने वेखा तो मैनू वेख दी तप गए। उन्हें तो खरे बाहरों डेलीगेशन आया हुआ सी, खरे आह मीटिंग भी होंगी है। मैं सोचा चौधरी इस तो पहला तेरा ये हाल कर जेड़ा मुहिशद चौधरी साकडार ने किया, चुप करके निकल। गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। लेकिन वो निर्वाण का क्या बना? ओ राज किधरे हो गया होना, मैं तो सीधा मेरे घर जाके खड़ो। वैसे शुक्र कर चौधरी तू बाहर ले आंदी मीटिंग च आ नहीं गया, नहीं तो आज सारी टीम ने असी तेरे ते मीटिंग पा रहे होना सी। जवाब भाई, एक ताजा सर्वे के मुताबिक जो कासिम के अब्बा हैं, ऑफ कोर्स यू नो है ना, उनकी मकबूलियत 97% हो गई है। डेमोक्रेसी तो यही कहती है, आप तस्लीम करते हैं इस बात? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं तस्लीम करता, ये सोशल मीडिया का सारा मामला है। देखें पाकिस्तान के अंदर लोग एक बात समझ गए हैं कि ये जो तीन पार्टीज हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, ये सारी एक जैसी ही हैं।
इन्होंने अदवार जो गुजारे हैं आम लोगों को तो कुछ नहीं दिया ना, और इन सब लोगों ने पैसा तो बनाया, खान ने भी तो बनाया ना तोशा खाना से, पैसा बनाया तो है ना, ये करप्शन की बात ना करें, पैसा बनाया ठीक है, मतलब करोड़ों रुपया बनाया ठीक है। अब मुझे लगता है कि जब से ये 9th of May हुआ है जी हाँ जी हाँ जी, उसके बाद बहुत से लोग अब ये समझ गए हैं कि वोट अगर हम उनको देंगे भी फर्ज करें और ये आ भी जाएं तो ये तो फिर ऐसी हरकतें करेंगे, फायदा क्या होगा। चलिए ये तो हम मानते हैं जवाब भाई कि इस वक्त उनको हमदर्दी हासिल है, है ना, क्योंकि उसमें साबिका हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों का भी कुछ अमल दखल तो है ही, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो उनकी शोहरत थी या है वो ऑर्गेनिक है या फिर वो टेस्ट ट्यूब है, क्या है? देखिए मैं नहीं समझता कि ऑर्गेनिक है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक जो होता है ना इमेज वो काम पे बनता है। बिल्कुल, काम का मतलब क्या है, मजदूर की तनख्वाह जो थी वो 50,000 थी, वो भी बड़ी मुश्किल है कि वो अपने बच्चों को पाल सके उसमें, तो फिर तो चले बनता भी है ना कोई काम किया। जब वही 25,000 रुपया देना था आपने लोगों को, उस जमाने में 22,000 था, बल्कि 30,000 ज्यादा हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है किसी आदमी को कि आप वजीर आजम है या नहीं है। एमा चौधरी जवाब जी, सानू कोई रुका दो कोई चेट दो, ये जिहड़े कैपिटल दे विच 126 दिनां दा धरना करवा देंदे ने, मेरा तो जदराणी दा भी उत्थे फेस्टिवल करवा दिओ। यह प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने धरना करवाया ना उनके साथ हमारा सिवाय प्यार मोहब्बत के कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं तो चंद्रानी भी प्यार करांगे। जवाद भाई वैसे ही तेरे नाल मोहब्बत च गल नहीं कर रहे बेटे, तेरा तरना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फैज देने वाले लोग अजकल आप बेफैज हो पे ने। पॉलिटिकल सटायर। क्या तेरा तरना हो जाए बाद चो तेरा भी हाल जमशेद इकबाल चीमा ते मुसरत चीमे वाला हो जाए। नहीं, चौधरी का फेस्टिवल मैं करवाऊंगा, जीवे पे मेला मवेशिया करवाएंगे आपका और चौधरानी का। जवाब में एक बात बताएं, एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे मुल्क का है, वैसे तो बहुत से हैं लेकिन उनमें से एक ये भी है कि जब एक चीज महंगी हो जाती है तो वो कभी भी अपनी असल कीमत पे या उससे सस्ती नहीं देखी या सुनी जाती। तो हमारे पास यानी आपकी पार्टी के पास ऐसी क्या पॉलिसी है कि कब हम उन चीजों को उनकी हकीकी कीमतों पर देखेंगे? डॉलर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरे नंबर पे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री है, हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर है ये प्रोडक्टिव नहीं है, उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो महंगाई की तरफ जाती जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि आम लोग जब तक नहीं आएंगे हुकूमत में इस तरह के स्टेप्स नहीं ले सकेंगे, और जब नहीं ले सकेंगे तो महंगाई भी कंट्रोल में नहीं आएगी। हम कर सकते हैं महंगाई कंट्रोल क्योंकि हम आम लोग हैं। हाँ जी, हम पाकिस्तान के अंदर हमारा स्टेक नहीं है प्रॉफिट मेकिंग का। ओए हालात वेख के तो मेरा यकीन कर दिल खून दे आंसू रोंदा है। हाय 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 हाय, एदा मतलब है चौधरी तेनू खूनी टेंशन लगी? कोई गल नहीं, मेरा पुत्र एदे वास्ते अमरीयत दा छल्ला लै। वाह वाह वाह, ओ मेरी इनकलाबी टेंशन नु तू की जाने, फैज साहब नु पढ़िया होवे तो तेनू पता लगे। जिन्हें फैज नहीं पढ़िया ओ जमिया ही नहीं। हाय 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 हाय, बल्कि कहना चाहिए जिन्हें फैज नु पढ़िया ओ अडियाला बैठा है। हाय हाय हाय, जवाद भाई कह रहे ने इस मुल्क च नवीं नवीं इंडस्ट्रियां लाओ, और जिहड़ियां पहले लगियां उन्हां दियां ते निजकारियां नहीं रुकण डियां। आए बहुत सी बात है, चाचा कमाल करा, वाह बिल्कुल अच्छा है। देखते रहिए पब्लिक डिमांड, लौट कर आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन कीप वाचिंग। जी आप देख रहे हैं वेलकम बैक, और मैं हूं पब्लिक डिमांड हैदर। मन चाह बड़ा सी बहन का। जवाब भाई आपसे सवाल ये है, ये जो कुकड़ी कुड़क मल लेंदी है हूँ थोड़ा गाना सुनाइए, अली सेठी का सुनाइए, अली जफर का सुनाइए, कहता सुनाइए जरा ज्यादा अंडे देव लग जाए। यार मेरा ख्याल है कि वो जो चेयरमैन तरीके इंसाफ हैं, उन्होंने कहा था कि वो अंडे और मुर्गियां और सारा कुछ। जी 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 जी। तो कोई भी ऐसा सिंगर ले लें जिसका तरीके इंसाफ से ताल्लुक हो। अताउल्लाह इसाखेवी साहब का गाना सुनाओ फिर। ए जेड़ा ते साबका हुकूमत ने कहा सी कुकड़ियां पालो, पूरी गल नहीं सुनी तुसी। क्या? वो कहंदे सन कालियां कुकड़ियां पालो ताकि सदके दई जाइए हुकूमत चलदी जाए। बहुत से कालियां कुकड़ियां ते ले आनियां ने, काला कुकड़ पहले आया। जवाद भाई सिंगिंग आपकी हिट थी, म्यूजिक आपका सुपर हिट था हमेशा से, लेकिन ये जो सियासत थी, ये जो इनकलाबी तबीयत थी, ये हमेशा से थी या ये अचानक किसी दिन तब्दीली रूनुमा हुई? यार मेरे जो दोस्त है ना शोबिज में भी है जी, आपके प्रोड्यूसर हैं, उनसे पूछ ले आप।
एक्चुअली ना मेरा जो म्यूजिक का करियर था ये भी कोई इस तरह नहीं था कि तुक्का लग गया बस, बाकायदा मैंने प्लान करके ऑर्गेनाइज करके ये किया। क्या बात। और लोग तो आते हैं ना उनको शौक होता है काम का, मुझे सिर्फ शोहरत चाहिए थी। ओके, ओके। सिर्फ शोहरत के लिए मैंने ये सारा कुछ किया है ताकि मैं बाद में ये सियासी काम कर सकूं। मुझे पैसा कमाने का भी शौक नहीं है, ये भी सबको पता है। मैं अपने वालिद साहब के घर में रहता हूँ यार, वो प्रोफेसर थे, मेरी वालदा भी प्रोफेसर थी, एक नाल का घर है हमारा, हम उसी में रहते हैं। मैंने कोई फार्म हाउस नहीं बनाया, तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसे जो है सियासत में लग गए, उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन में लग गए जब मैं अपना सोशल वर्क भी कर रहा था। उसके इवज़ मुझे ये मिला कि 3 सदारती अवार्ड मिल गए, तमगा इम्तियाज, सितारा इसार, ह्यूमन राइट्स अवार्ड। उससे भी मुझे शोहरत में ही फायदा हुआ ना, जो मुझे चाहिए थी। अब मैं ये सियासत जो इस वक्त हो रही है ये सिर्फ इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैंने लोगों को अपना नाम, अपना काम और अपनी शक्ल उसकी पहचान करवाई है। एक चौधरी जवाब साहब, आजकल मैं भी इनकलाब पढ़ना शुरू कर देता है। कैसे के? चौधरी फैज अहमद फैज, चौधरी अहमद फराज, चौधरी अल्ताफ बाजवा। साहब ये अल्ताफ बाजवा कहाँ से इनकलाबी हो गए यार? मोहसिन तैनू तो अलफ तो बेदा भी नहीं पता, कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ, तुहाडे हां ते इनकलाब वट ते पिया है। वाकई बड़ा इनकलाबी आदमी है चौधरी अल्ताफ बाजवा। की लिखता उन्हें पादे चिट्टे दिन माइया हनेर वे। असल च मोहसिन पुत्र, ओ बंदा पाकिस्तान च इनकलाबी कबाबी हो ही नहीं सकता जेड़ा साड़ी शायरी ना पढ़े। जी जी, काफी समझ आ रही है मुझे इनकलाबी और कबाबी। आए है, नशा इनकलाब में होता तो नाचती जमहूरियत। मोहसिन साहब कोई साडे वाल भी ध्यान करो, किदों तक साडी हालत इस तरह ही रहनी? ए मोहसिन पुत्र, ए भी दसदा जाए अवाम दा न्यूक्लियस कित्थों लियांदा है? तो वेखे ना मोढा पाटिया तू पंबीरी वाला टीका लवा के आए। जवाब भाई, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने हमारे प्रोजेक्ट हेड ताहिर सरवर मीर साहब को एक इंटरव्यू में कहा था कि इस कायनात की सबसे सुरीली आवाज मेहदी हसन खान साहब की है। पहले तो इससे आप एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। आवाज की साइंस फिजिक्स है, आप इंजीनियर हैं, तो आप मुझे इसकी साइंटिफिक तौजीह बयान कर सकते हैं? यार देखें, जो म्यूजिक है ना ये वाहिद आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर ना दो एब्सोल्यूट्स हैं, एक टेम्पो और एक सुर। वाह। जो नोट जिसको हम कहते हैं। अच्छा, नोट जो है ना वो कीबोर्ड के ऊपर 440 हर्ट्ज के ऊपर उसको फिक्स किया हुआ है। हर नोट जो बदलता है ना, मतलब फर्ज करें सी है फिर सी शार्प है, तो उन दोनों के दरमियान में एक जगह होती है। जैसे फर्ज करें ये सी है, हाँ जी, ये पूरी रेंज सी है, ये यहाँ से ले यहाँ तक सी है, ये सी शार्प है। बिल्कुल ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, ये सी है, ये सी शार्प है। ठीक है, कैमरे में भी दिखा रहे थे। ऑफ कोर्स। तो ये जो सी है ये असल में सी पता कहाँ पे है? बिल्कुल दरमियान में सी के। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेहदी हसन साहब जैसे जो सिंगर थे वो इस तरह गाते थे कि वो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन में सुर के वाह 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 अरे होते थे। जिस तरह आपका गिटार आप ट्यून करते हैं कीबोर्ड के साथ, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल्कुल इस तरह अगर आप देखें ना तो मेहदी हसन साहब की आप आवाज़ कीबोर्ड के साथ ट्यून कर सकते थे। वाह 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 वाह। तो इतनी ज्यादा सुर में थी, वो बिल्कुल सेंटर लाइन के आसपास गा रहे होते थे। और ये जो है आम लोगों को समझ नहीं आ सकती, तो ये साइंटिफिकली अगर देखें तो ये है। और अगर आप वैसे भी अगर आप उनको सुने, अगर आप ये कान थोड़े से अच्छे हैं, तेज हैं, आप उनको सुने और गौर से सुने और सिर्फ ये जेहन में रख के सुने कि मेहदी हसन साहब कहीं पर सुर छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, वाह, तो आप यकीन करें कि उनके पूरे पूरे रिकॉर्डेड गाने हैं जो कि उन्होंने एक एक नशिस्त में किए हुए, जैसे 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है पूरी। जी, जी, जी। तो आप कई ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं कि आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनते जाएं आपको हल्का सा भी सुर हिलता नजर नहीं आएगा, और आखिर अगर आपकी आंखों से आंसू निकल आए। अच्छा, वाह 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 वाह। तो इसलिए नुसरत साहब जो कह रहे हैं ना कि मेहदीन साहब की जो आवाज़ है वो कभी नहीं हुई, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो ज़्यादातर ईस्टर्न म्यूज़िक सुना है ना और ईस्टर्न म्यूज़िक किया भी है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि मेहदीन साहब टावरिंग आदमी है और सबसे ऊपर शायद सुर के मामले में खड़े हुए हैं। क्या बात, यकीनन यकीनन। ए जेड़ा तुसी आख्या भी जेड़े नोट लगदे ने ये पाकिस्तानी करंसी दे लगदे ने, ये डॉलर दे भी लग सकदे ने। जवाब भाई, अब हम आपसे करेंगे कुछ बाउंसर नुमा सवालात, कुछ तुंदो तेज सवालात होंगे, तो आप तैयार हैं सर? जेड ए भुट्टो या फिर जियाउल हक,
जेडी भुट्टू सर, डॉक्टर लाल खान या फिर डॉक्टर मुबशर हसन साहब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर लाल खान साहब जो थे वो थ्योरेटिकल रहे, लेकिन डॉक्टर मुबशर हसन साहब जो थे उन्होंने प्रैक्टिकल भी किया, तो आप किसको चूज करेंगे सर? डॉक्टर लाल खान हर सूरत में उनसे बहुत बड़े आदमी थे, क्योंकि एडियोलॉजी के लिए वो बहुत ऊपर के आदमी थे। बिल्कुल ठीक। माहिरा खान साहिबा या सबा कमर साहिबा? दोनों अच्छी हैं। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, पॉलिटिक्स को छोड़ के बात करेंगे हम। प्लीज दिलों दसो दिलों यार ये तो सर आप पीआर के बंदे हैं तो नहीं, लेकिन आपने दोनों के साथ पीआर बड़ी अच्छी चलाई है। ओके, सेमी सियासी सिंगर शहजाद रॉय साहब या फिर अब्राहुल हक साहब? अब्राहुल हक। शहजाद इज मोर टुवर्ड सोशल वर्क। हां जी हां जी हां जी बिल्कुल ठीक। फेवरेट म्यूजिक बैंड सर आपका, जुनून या फिर फ्यूजन? जुनून। जुनून ओके। हालांकि सलमान अहमद जो है उनके साथ मेरी बहुत ज्यादा इस वक्त सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन जुनून जो है वो बड़ा बैंड था। क्या बात है। चौधरी की बात सब है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मोहसिन मैं तो कहना चौधरी नु मुल्क बदर कर दियो, इन जवेद अख्तर दे पीछे ही टोर दे। तो जो आपके मुजस्मे हैं वहां पर आपके साथ क्या करना चाहिए हमें? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? खुदा दा वास्ता छोड़ दिया जाए। ओके छोड़ दिया छोड़ दिया। सर फेवरेट जूनियर आपके कौन है, अली सेठी या फिर साहिर अली बग्गा? साहिर अली बग्गा। ये मुझे पता था कि आप साहिर अली बग्गा साहब का नाम लेंगे, लेकिन आपके कानों से वो गुजरा ही होगा, अगला मजबूरी नो आन जान दे पसूड़ी नो जहर बने हाँ तेरी तीजावा मैं पूरी नो आना सीओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया। नहीं अच्छा मुझे नहीं लगता कि अली की अपनी ट्यून है। ऑफ कोर्स नहीं होगी, जुल्फी की हो सकती है। हाँ लेकिन मेरा ख्याल है कि बग्गे ने जो गाने बनाए हैं ना, मेरे साथ बहुत काम किया बग्गे ने, अबरार के साथ भी किया है, लेकिन मेरे साथ तो आप समझेंगे स्टार्ट ही उसने मेरे साथ किया था। अब मेरे साथ कोई 7-8 साल रहा है वो, तो उसको पता है कि कमर्शियल म्यूजिक क्या होता है। आई एग्री वैसे। तो जो कमर्शियल म्यूजिक है ना वो मेरा ख्याल है कि बग्गे का बेहतर है। सर फेवरेट प्लेबैक सिंगर मेल, मोहम्मद रफी साहब या फिर किशोर कुमार साहब? किशोर कुमार। ओके सर। नहीं आप अगर मेरे से इख्तलाफ करना चाहते हैं जी, मैं कर चुका हूं सर। मैं रफी साहब के पैरोकारों में से हूं सर, इस वजह से मैं यहां पे एक बात करता हूं। हो सकता है ये जो मेरा ये जो क्लिप है ना इस पे डिबेट बन जाए, इस पे इस पे क्रिटिसिज्म हो। मोहम्मद रफी जो थे ना वो उनका गला बहुत तैयार था, बड़े जबरदस्त वो सिंगर थे, उनकी पिच बहुत हाई थी, मतलब उनका स्केल ऑक्टेव्स उनके पास बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो पक्का सुर था वो किशोर कुमार का था। अगर आप मोहम्मद रफी के बेस्ट गाने निकालें और किशोर कुमार के बेस्ट गाने निकालें तो आपको पता चलेगा, जो मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा था कि किशोर कुमार के जो सुर है ना वो ज़्यादा बोलता है, मोहम्मद रफी कहीं ना कहीं आपको वो होते नजर आएंगे। लेकिन चूंकि मैं तो इन दोनों के आसपास भी नहीं पहुँच सकता ना, मेरे लिए तो दोनों इतने बड़े हैं कि मैं तो सिर्फ कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं कंपेयर साइंटिफिकली कर रहा हूं। ओके, फेवरेट प्लेबैक सिंगर फीमेल, आजहानी, लता मंगेशकर साहिबा या फिर मैडम नूरजहां साहिबा? अब इस पे अब फिर आप साइंस को इन्वॉल्व करेंगे? नहीं, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। देखें अच्छा, ओके, लता मंगेशकर जो है उन्होंने जो गाया है ना उर्दू, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी नजीर कहीं मिलती है। जो जी जी ओके ताहिर साहब, मेरा ख्याल निकलना पड़ेगा। अच्छा चलें, ठीक है। यहाँ पर हम जवाद अहमद साहब का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट का ख्याल रखते हुए, बावजूद इसके कि वालिद मोहतरम की तबीयत खराब थी, वो तशरीफ लाए और उन्होंने हमें वक्त दिया। विल मिस यू जवाद भाई, लेकिन डेफिनेटली आपका वहाँ मौजूद होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। लेकिन जाते जाते हम उन्हीं के एक नगमे पर इख्तिताम करेंगे पब्लिक डिमांड। कट्टन दिना लंगे रात कलम कली मैं बेजार ते अक्खा लाइया मोती लड़िया वांगू चढ़िया तू गयो समंदर पार्त पल पल आवे तेरी याद ते हर पल ताने देंदिया ने मैनू सखिया आजा हुण डोलना मेरा दिल तोड़ना नहीं ते मर जागी तेरे बिना साडा कल्या जी लग पाई ना डोलना असा जीना नी ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜੀ ਲੱਗ
बाबा जी वैसे हैप्पी रोस्टिंग के लिए मेरे ख्याल में आपकी उम्र ही है इस वक्त हमारे लिए। मेहरबानी थोड़ी, कोई गल नहीं, जवाब पाई दीजिएगा, मैं काम ऐसा करांगा कि तुहानू जवाब पाई दी याद नहीं आएगी। हाय 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 हाय, पहली जुगत किनू करनी? तुसी नवे आए, तुहानू नहीं पता एनू करनी है। हाँ जी, एहो जे बंदे दी बनैन ना सर्दियां च खोते नू पवा देदी। और खोता खुद ही ये कह रहा है, बता तेरी बनियान कहाँ। तो तू बड़ा हंसना पे है। काहे? ए बूट बड़े लालो लाल पाए, नसीबो लाल दी दुकान तो लाए नी। अच्छा, एने ते बूट नसीबो लाल दी दुकान तो लाए ने, एने सूट नसीबो दे थान चो ले आए। अब फलक नु दा देख, लाहौर दी माधुरी दी छुट बनी गई है। ओ दा बेचारी दा कसूर नहीं सुनिया, पाकिस्तान च जिन्नी महंगाई है ओ थोड़ा के होए अनिल कपूर वेख लो। अच्छा ये सारी बातें छोड़े, आप ये देखें कि चौधरी आज इनकलाबी कैसे हुआ हुआ था। चौधरी जा मेरी चोरी चुक के दुआई। हाँ। तेरे पिंड च इनकलाब आवे। अच्छा। नहीं ते सलाब ते वट ते पियाई। और मुझे ऐसा लगता है ये जे चौधरी वाला इनकलाब आ भी गया ना, इनकलाब में भुखा ही मारेगा। वाकई इना भुखा मारेगा, इनू तो एक बार जिन चिमट गया, जिन पीरा कोल चला गया, कहंदा मैनू कड्डो, मेरे तो बहुत ही रोटी यह खांदा। Oh, ladies and gentlemen, keep watching Public!